देखिए मेरा बहन जी, आपसे कोई निजी विरोध नहीं है, मैं तो आपको साफ कह गया था कि आप संन्यास दीक्षा ग्रहण करें कि साधु से हम दिलवाएंगे या देंगे और आपको चादर उठा के बैठाएंगे। आपने कहा मैं परिवार को नहीं छोड़ सकती, दो बच्चे हैं मेरे, तो संन्यास का मार्ग तो इससे भिन्न हो गया ना। आप परिवार चलाओगे तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, और न ही कोई ऐसी शक्तियाँ होती कि मतलब व्यक्ति हाथ लगाए और ठीक हो जाए। क्या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, ऐसी छिपी होती है उसके पीछे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर 7 से 8 दिन हो चुके हैं कि एक महिला जो मोखरा गांव के अंदर झाड़े के नाम पर गरीब लोगों के बाड़ा फकवाने का जो कार्य कर रही है, उसी को लेकर के योगी सुखदेव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 3-4 मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हैं जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे जी? मोखरा गांव के अंदर आप भी वहां पर पहुंचे थे, सोशल मीडिया के ऊपर पवन मलिक के साथ में एक वीडियो वायरल होने लग रही है जिसमें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे उस पाखंड को लेकर के, क्योंकि हम पाखंड ही कहेंगे, बहुत सारी वीडियो हमने देखी है जिसमें लोग कह रहे हैं कि झाड़े के नाम पर बाड़ा फकवा जा, को आराम नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे जी आप? देखिए जी, मैं वहां पर गया था और सबसे पहले आपको बताता हूँ, मेरा डेरा जो है पहला बधुआना, वो पाली उसका जो ससुराल है वहां से 5 किलोमीटर दूर है, महेंद्रगढ़ जिले। हाँ, महेंद्रगढ़ जिले में है जो मेरा पहला स्थान है। तो मैं वहां पर एक बहन के नाते उनको मिलने के लिए गया था, और बिल्कुल शुरुआत में जब मैं गया तो तब मैं एक जो हमारा आंदोलन है कोई अलग से है, वो मतलब इससे संबंधित नहीं है, तो मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा। उस आंदोलन के तहत गया था। जब मैं गया तो मैंने उस बहन से 2-3 रिक्वेस्ट करी थी, जो आज भी न्यूज़ चैनल पर बैठ के मैं कर रहा हूँ, कि बहन जी सबसे पहले तो जनेऊ ना पहने, दूसरी बात नाथ अपने नाम के आगे न लगाएं, नाथ करिए, क्योंकि इससे आपकी भी छवि खराब हो रही है और साथ ही साथ नाथ संप्रदाय की भी। मैंने आपसे एक अनुरोध किया था, अगर आपको साधु बनना है तो विधिवत साध्वी का रूप लीजिए, जनेऊ लीजिए, किसी योग्य दर्शनी साधु के संपर्क में आके भाई जो नाथ संप्रदाय की शिक्षाएं ली जा सकती है, क्योंकि दीक्षा नाथ संप्रदाय में स्त्री को वर्जित है। वाली भी कोई साध्वी बन सकती है? नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम ने भी गृहस्थाश्रम थे, श्री कृष्ण भी, उन्होंने भी शादी की थी, शायद मच्छंद्रनाथ का नाम लेने लग रहे, वो भी गृहस्थ थे मच्छंद्रनाथ जी, वो इस हिसाब से 3-4 उदाहरण देने लग रहे कि वो भी गृहस्थाश्रम थे, फिर वो जो भगवान का रूप यानी किस हिसाब से बन सकते हैं, मैं क्यों नहीं बन सकती? देखिए, भगवान का रूप होने में और जो साधु होने में फर्क है। भगवान राम गृहस्थ थे तो जब ऋषि विश्वामित्र आते थे वो उनके चरण लेते थे, अब वो कह देंगे विश्वामित्र भी गृहस्थ थे, वो लोग गृहस्थ थे लेकिन उन्होंने उपनयन संस्कार किया हुआ था और वो ब्राह्मण थे। पहली बात तो वो लोग ब्राह्मण कुल से संबंधित थे और वेद इत्यादि सत्शास्त्रों का, मोक्ष ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया था। दूसरी बात जहाँ तक है भगवान शिव की, भगवान शिव आदि योगी हैं, ठीक है, उनसे परंपराएं चली, योगी मच्छंद्रनाथ जी हुए उनके बाद। तो मच्छंद्रनाथ जी के बारे में उन्होंने जो कहा, मच्छंद्रनाथ जी कुछ काल के लिए गृहस्थ में गए थे लेकिन गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने उन्हें दोबारा निकाला वहाँ से और दोबारा बाकायदा भंडारा करके उनको बेख के अंदर शामिल किया गया। इस प्रकार से बेख में नहीं होता है। और दूसरी बात, वे लोग अयोनिज पुरुष थे, उन लोगों का मतलब जो चरित्र है अत्यंत विस्तृत है। अब इन चीज़ों को हम मिथक रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि अनेक कपोल कल्पित कथाएं हमारे शास्त्रों के अंदर जोड़ दी गई हैं। जिस प्रकार से एक पुस्तक है नवनाथ चरित्र जो महाराष्ट्र में है, उसमें नौनाथों के नाम अलग हैं और हम नौनाथों को जो मानते हैं नाथ संप्रदाय में वो अलग हैं। अब इस प्रकार के किसी चरित्र को लेकर के या किसी बात को लेकर के अब गृहस्थ और सन्यासी अगर भिड़ने लगें तो इसका कोई औचित्य नहीं है। जो आज की परंपरा है वही मान्य होती है, क्योंकि कभी ऐसा भी समय था जब सभी गृहस्थी होते थे, वही सन्यास की परंपरा चली है, ये तो अनादिकालीन है। और सुनने में आया कि मैंने कि जो सन्यास आश्रम है, सन्यास आश्रम से अष्टा गृहस्थाश्रम होता है, इसमें कितनी सच्चाई? भाई सन्यासी तो कोई भी बन सकता है लेकिन गृहस्थाश्रम में काफ़ी तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, संन्यास आश्रम में भी बहुत कठिनता होती है जैसे, लेकिन कई लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अब कोई समैगी है, सुलफेड़ी है, वो समैगी सुलफा पीने के लिए साधु बन गया, उसकी पूर्ति नहीं हुई तो वो तो बात है अलग, उसको तो जोर नहीं पड़ना। लेकिन अगर आप साधु के वास्तविक दायित्वों को देखेंगे तो जैसे स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बताया है कि आप बिल्कुल जो संगतता से अलग हो करके जो 3 एषणाएँ होती हैं, लोकेषणा, पुत्रेषणा,
इन सब से वितेषणा, इनसे अलग होकर के आप चलोगे तो ही आप सन्यासी हो। अब किसी व्यक्ति ने नाथ संप्रदाय में सन्यास लिया है तो नाथ संप्रदाय की आधारशिला हम लोग गुरु गोरक्षनाथ जी से मानते हैं, भगवान आदिनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी तो हैं ही, लेकिन हम लोग फॉलो गुरु गोरक्षनाथ जी को करते हैं। हमें जैसे वो गढ़पंथी हैं वो अलग हैं, लेकिन जो नाथ संप्रदाय जो आज प्रचलित स्वरूप में है वो योगी गोरक्षनाथ जी के द्वारा बनाए गए नियमों पर कार्यान्वित है। उसके अंदर भी अगर कोई गृहस्थ भी दीक्षा लेता है तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है। चलो जी, अच्छा स्वामी जी आप ये बताइए, जब भी मैंने जैसे जो महिला वहाँ पर बैठी है मोखरा गांव के अंदर झाड़ा लगाने लग रही है, वो कह रही है कि मेरे अंदर गोरखनाथ जी की शक्ति है, मैं जिसके ऊपर भी हाथ रख देती हूँ उसकी समस्याएं दुख दूर हो जाता है, ऐसी भी कोई शक्तियाँ होती है ऐसे चंदे लगाने से ऐसी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं? देखिए, चंदों के अंदर एंटीबायोटिक और विषरोधी तत्व होते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध तो अपने सिर के ऊपर चंदे रखते ताकि विश्व जो अर्जुन के पास से जब तीर पहुँचे अर्जुन के पास है तो उससे निकल जाए। दूसरी बात, ये प्राचीन परंपरा है कि ऋषि मुनि अपना स्पर्श न होने दे के किसी लड़के को लड़की को, जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं समाज के अंदर इतना गंदा प्रचार हो गया है कि जैसे समलैंगिकता वगैरह, आज के दिन स्पर्श को भी मतलब एक अलग रूप में देखा जाता है किसी को, तो उस समय सबसे आसान तरीका था किसी को आशीर्वाद देने का कि हम लोग चंदे से उस युवक या युवती को आशीर्वाद दे देते थे और भाई मतलब एंटीबायोटिक उसमें स्पर्श नहीं करते थे और तत्व होते थे उसके अंदर। तो ये तो एक था प्रक्रिया, उसको बाद में सभी मठों में साधु ने ग्रहण कर लिया। लेकिन अब मेरे को संन्यास लिए 16 साल हो गए, क्या मैंने कोई तपस्या नहीं करी, मैंने अध्ययन नहीं किया, क्या और साधु संत तो नहीं किया? तो ऐसे गोरक्षनाथ जी शक्ति देते तो सबसे पहले तो गोरक्षनाथ जी की शक्ति और साधुओं में आनी थी अगर ऐसा कुछ होता तो। ये महिला, अगर आप जो ये बहन जी हमारी, देखिए मेरा बहन जी आपसे कोई निजी विरोध नहीं है, मैं तो आपको साफ कह गया था कि आप संन्यास दीक्षा ग्रहण करें कि साधु से हम दिलवाएंगे या देंगे और आपको चादर उठा के बैठाएंगे। आपने कहा मैं परिवार को नहीं छोड़ सकती, दो बच्चे हैं मेरे, तो संन्यास का मार्ग तो इससे भिन्न हो गया ना। आप परिवार चलाओगे तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, और न ही कोई ऐसी शक्तियाँ होती कि मतलब व्यक्ति हाथ लगाए और ठीक हो जाए। क्या बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, ऐसी छिपी होती है उसके पीछे भी, जो कुछ एक आराम पड़ता है। अब मैंने कई लोग देखे तो कह रहे थे कि मेरे कड़ में दर्द था, आराम हो गया और किता कोई रिपोर्ट नहीं आई, उसका क्या मतलब है कि कई बार वात इत्यादि दोष कुपित हो जाते हैं, व्यक्ति खुद की मर्जी से चलता नहीं, लेटा रहता है। अब अगर वो झाड़ा लगवाने के लिए जा रहा है तो चलता भी है, धूप में फिरता भी है, कई बार ऐसे होता है उसकी मानसिक स्थिति बदली हो जाती है और वो ठीक अनुभव करने लग जाता है। ये तो एक वैज्ञानिक तत्व है, आप घूमेंगे यदि किसी व्यक्ति को दर्द है तो हम लोग कहते हैं 10-5 कदम चलो, लेकिन हमारी धारणा ये है कि झाड़े के नाम पर हम लोग 200 किलोमीटर भी जा सकते हैं, डॉक्टर के पास हमें 5 किलोमीटर जाना है तो भी हम लोग संकोच करते हैं। चलो जी, लास्ट में उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे जो वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं एक आस्था के नाम पर, कह रहे कि आस्था है लेकिन उनको वहाँ जा करके पता चलता है कि यहाँ पर ढोंग और पाखंड है, वो निराश होते हैं, हताश होते हैं, बोली वाली जनता को नहीं पता आखिरकार जो जिस प्रकार से वहाँ पर उनको लूटा जा रहा है, क्या संदेश आम जनता को आप देना चाहेंगे जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, कई बार हमारे यहाँ पर हरियाणा में कहावत है आसीम असनगढ़ हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को नॉर्मल बीमारी है, जो लंबे काल से वो डॉक्टरी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो तो जाता है तो चलो ठीक है, उसका टाइम पास हो गया, जाए इतनी दूर आंडा फ्री होगी, उसकी बजाय एक बहुत खतरनाक रूप में भी उभर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को शुगर है, उसकी शुरुआती स्टेज है, या किसी को मतलब ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि वो तो सब बीमारियों को दूर करने का दावा करिए, किसी को प्रारंभिक स्थिति में ऐसी बीमारी है जो जानलेवा है और वहाँ पर वो जा रहा है और अचानक किसी को हार्ट अटैक का दौरा आ जाए, किसी को कैंसर है, वो झाड़ा लगवाते लक्षण दबे रहे हैं और वो फोर्थ स्टेज में पहुँच जाए, तो ये चीज़ें प्राण घातक भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप किसी भी ऐसी प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तो वो आपके लिए जानलेवा तो है ही, ये आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाने का एक कार्य है। आप सबसे पहले कुछ भी हो अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य से परामर्श करें, क्योंकि यही सत्य है। बिल्कुल, जो भी झाड़ा लगवाते हैं अगर इनके घर में भी दिक्कत होती है तो आप देखोगे कि ये डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ही अंतिम उपाय है। इसलिए वेदादि, और दूसरी बात,
मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, गुरु गोरखनाथ को मत मानो, गोरखनाथ की मानो, गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं। आप गोरख वाणी पढ़िए, जो प्रमाणिक ग्रंथ है गोरखनाथ जी के वो पढ़िए। आप स्वामी दयानंद को मत मानिए, स्वामी दयानंद की मानिए। आप 17 प्रकाश में 14 समूलास हैं उनको पढ़िए। सभी महापुरुषों ने कहीं ना कहीं इस जो सूक्ष्म प्रक्रियाओं का स्थूल रूप जो आज हमारे सामने है इसका विरोध किया है। तो उस चीज़ को आप समझिए और सत्य ग्रंथों वेद इत्यादि का आप पाठन पठन कीजिए, आयुर्वेद के ग्रंथों का पाठन पठन कीजिए, जिससे आपके ज्ञान में अभिवृद्धि हो और उसी से ही आप शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके का जिसको आप लोग प्राप्त करके ये पहचान सकते हो कि ये साधु है या नहीं है। अब आज के दिन तो ऐसा समय है कोई भी कान छिदवा लेगा, कोई भी ये भगवान पहन लेगा, मोल में भी कहा भाई कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा। आप पहले उस ज्ञान का अन्वेषण करिए और उसको पढ़िए कि कौन कितना किस चरित्र पर लागू है। अगर नहीं है तो आप दूरी बनाएं। और ये आज एक जगह समस्या है, मैं कह रहा हूँ ये समस्या जगह जगह पर बढ़ेगी। कारण क्योंकि लोग समय नहीं देना चाहते। सजनों आप प्रत्येक विषय पर अगर आप कोई छोटा सा कोलगेट भी खरीदते हो तो भी आप सोचते हो आधा घंटा। मैं कहता हूँ आप किसी व्यक्ति के पास जाने से पहले 10 मिनट तो विचार कीजिए और जिस संदर्भ में आप जा रहे हैं उसके संबंध से किसी विशेष व्यक्ति या उसके अनुभवी से राय लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। चलो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल 3-4 मुद्दों को लेकर के सुखदेव स्वामी जी योगी जी की जो बातचीत थी, हाँ सुखदेव नाथ जी की जो बातचीत थी वो आपने सुनी है। अभी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। हमेशा हम भी कहते हैं कि चित्र नहीं चरित्र के ऊपर चलना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र के ऊपर है, धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी के चरित्र के ऊपर है। हमेशा ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी हमारा कार्यक्रम होता है स्कूलों के अंदर भी कि शिक्षा के क्षेत्र में ग्राउंड मीडिया की क्रांतिकारी पहल। हमेशा हम प्रयास करते हैं सत्य विद्या के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक प्रयास कीजिए आप भी, जड़ और चेतन के अंदर कम से कम फर्क तो मानिए। आप सभी को पहले बताते आए हैं। अब योगी जी स्वामी जी के जो विचार हैं आपने अपनी राय रखनी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन योगी अंचार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।